यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, पूरे प्रदेश में हुई 169 पीएसी कंपनी की तैनाती। यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, कानपुर देहात में एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाहिद गम मामले में आज अहम सुनवाई, भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर है याचिका। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश, शहरों में जलजमाव नहीं होगा बर्दाश्त। आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम्स बैन, उल्लंघन पर 20,000 से 1,00,000 रुपए तक लगेगा जुर्माना। जौनपुर के रेटी सी से गैरबरी सीएम ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में गंदगी देखकर भड़के ब्रजेश पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों में जुटी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, चुनाव से पहले मायावती ने पार्टी में प्रदेश प्रभारी का पद खत्म किया। अखिलेश यादव आज यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी के 12 जुलाई को जालौन में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अलर्ट। शाहजहांपुर में डांस पार्टी में दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली के आवाज से पार्टी में मची भगदड़, आरोपी की तलाश जारी। अलीगढ़ में दहेज लोभी ससुराल वालों ने गला दबाकर की महिला को मारने की कोशिश, मृत समझकर महिला को कार से जंगल में फेंककर फरार हुए। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में घुस रहे सांप, परचून की दुकान में अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने नोटिस दिए जाने के बाद हंगामा किया, नगर पालिका कर्मियों के सामने ही कॉलोनी के मालिक से की मार दी। कानपुर में मौसम की पहली बारिश से नगर निगम की खुली पुल, जूही के खलबा पुल में पानी भरने से आवागमन ठप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे, यहां कन्याश्री कार्यक्रम में भाग लेंगे, देर शाम जाएंगे दिल्ली। आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने एक मंदिर में की मंगल आरती। 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए सीएम, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र में फिर से शुरू हुई ईडी पर घमासान, शरद पवार को ईडी ने भेजा नोटिस, एनसीबी प्रमुख बोले पहले ईडी को नहीं जानता था कोई, लेकिन गांव में भी लोग ईडी का उड़ाते हैं मजा। कन्हैयालाल हत्याकांड में दोनों आरोपियों को उदयपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा आगे की पूछताछ के लिए। उदयपुर में कन्हैया की हत्या से यूपी में हिंदू संगठनों में रोष, मिर्जापुर में हिंदू संगठनों ने कन्हैया की आत्मा की शांति के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में रखा मौन। मणिपुर में नोने जिले के पास रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास भूस्खलन, हादसे में 7 लोगों की मौत, 40 लोग अभी भी लापता।